पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था सीखना। लर्निंग, लर्निंग क्या है? एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से लेके मृत्यु तक चलती रहती है। बालक जब पैदा होता है उसके बाद से ही सीखना आरंभ कर देता है। कब तक सीखता है? मृत्यु तक। वो हर कदम हर पल क्या कुछ ना कुछ सीखता रहता है। और इसी सीखने के गुण को क्या कहा गया है कि ये आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें बालक जो है अपने व्यवहारों का नियंत्रण करता है, उसमें क्या चेंजेस लाता है, उसको मॉडिफाई करता है। अलग अलग लोगों ने इसको बताया हुआ है, इसकी व्याख्या दी गई है कि ये परिवर्तन है, सामंजस्य है। सीखना क्या है? परिवर्तन है, सामंजस्य है, अनुकूलन है, विकास है। अनेक शिक्षाविदों ने बताया हुआ है, किसी ने बताया कि ये परिवर्तन है, विकास है, ये अनुकूलन है, ये सामंजस्य की स्थिति है, ये संगठन है, ज्ञान का संगठन है, नई चेतनाओं का संगठन है। सीखना क्या है? एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें मानव जो है नई चेतनाओं को सीख के नए कार्यों को करने की उसमें चेष्टा आती है। और जितना ज़्यादा सीखने की प्रबल इच्छा होती है बालक उतना ज़्यादा सीखता है। अब देखिए लर्निंग, सबसे पहले देखिए इसका एक डिफिनेशन गेट्स द्वारा, क्रू एंड क्रू द्वारा, इन्होंने क्या कहा कि सीखना आदतों, आदतों, ज्ञान और अभिवृत्ति, अभिवृत्ति का अर्जन करना है। सीखना क्या है? आदतों, ज्ञान और अभिवृत्ति का अर्जन। लर्निंग इज एक्विजिशन ऑफ हैबिट, नॉलेज habit, knowledge and attitude. habit क्या है आपका? आदत। आदत बालक में क्या सबसे पहले आदत निर्माण कराया जाता है। अब जैसे देखिए अगर कोई भूखा है तो ये, और भूख लगी उसने खाना खा लिया, तो ये क्या हो गया? ये विकास नहीं हुआ, ये सीखना नहीं हुआ, ये क्या हो गया उसकी अपनी जो है भूख क्या है ये सीखना नहीं हुआ, उसने भोजन ले लिया। लेकिन अगर कोई वस्तु रखी है, भोजन रखी है, उसे भूख लगा हुआ है और वो क्या करता है, मांगता है, पूछता है किसी से कि क्या मैं ये खा लूँ, क्या मैं ये ले लूँ, ये क्या हो गया? ये उसके आदत निर्माण का पहला स्टेप हो गया। क्या उसने कोई चीज़ करने से पहले क्या अपने गार्जियन से या जो वहाँ पे मौजूद है उनसे पूछा कि क्या मैं ये चीज़ ले लूँ? उसमें उसके व्यवहार में ये क्या, ये आदत का निर्माण हुआ। कैसी आदत का निर्माण हुआ? अच्छे आदत के निर्माण हुआ कि किसी की वस्तु या कोई भी चीज़ लेने से पहले हमें पूछना चाहिए। तो ये सीखना क्या हो गया? सबसे पहले आदत निर्माण हो गया, जो क्रो एंड क्रो ने बताया कि सीखना आदतों का अर्जन है। हम जो है जितनी भी आदतों का अर्जन करते हैं, उनको सीखते हैं, वही क्या होता है? सीखना होता है, वही क्या कहलाता है? अधिगम। फिर उन्होंने क्या बताया कि सीखना क्या है? ज्ञान है। ज्ञान जो भी हम अलग से तथ्य समझते हैं या बताया जाता है ये ऐसा करना है, ये चीज़ ऐसी है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ज्ञान है, जो हमारे जीवन में, हमारे जीवन को सफल बनाने में जो वस्तुएं और लाभकारी होती है उन्हें क्या कहते हैं? ज्ञान कहते हैं। और फिर आपका आता है एटीट्यूड, अभिवृत्ति। अभिवृत्ति से क्या समझते हैं आप? अभिवृत्ति एक ऐसी विशिष्ट गुण है जो लोगों को एक दूसरे से अलग करता है। एटीट्यूड इज ए लिटिल थिंग मेक्स अ बिग डिफरेंस। ये क्या है? ये एक बहुत ही विशिष्ट गुण है।
सभी प्राणियों में पाया जाता है, सभी मनुष्यों में पाया जाता है, जो एक दूसरे को एक दूसरे से क्या कहता है, अलग करता है। ये क्या है, विशिष्ट प्रकार का गुण है। सबके अंदर एक अपना एटीट्यूड होता है, एक अपना दृष्टिकोण होता है किसी वस्तु को देखने का, किसी वस्तु को देख के उसके प्रति रिएक्शन करने का, वही क्या कहलाता है, हमारा एटीट्यूड कहलाता है या मनुष्य का एटीट्यूड कहलाता है। तो क्रो एंड क्रो ने बताया कि आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति का जो समावेश है, उसका जो अर्जन है, वही क्या है, सीखना है। इतना समझ में आया, इज इट क्लियर? सीखना क्या है, आदतों में परिवर्तन है। आदतों का अर्जन ही क्या है, सीखना है। ज्ञान का अर्जन क्या है, सीखना है। और अभिवृत्ति का अर्जन क्या है, सीखना है। कोई भी आप एटीट्यूड, कोई भी आप दृष्टिकोण, जो एक आप देखते हैं एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, कोई भी अब आज के परिवेश में क्या देखते हैं, कोई भी चीज़ें देखने से पहले हम ये पता लगाते हैं कि ये सही है या गलत है, इसकी वैकेबिलिटी कितनी है, इसकी अकाउंटबिलिटी क्या है, और इसके बाद हम इसका वैलिडिटी देखते हैं। जो भी सारी चीज़ें हम उसमें चेकअप करते हैं, ये सारी क्या होता है, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है, एक क्रमबद्ध ज्ञान का समावेश होता है। इज इट क्लियर? अब देखिए, गेट्स ने क्या डेफिनेशन दिया है, लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू experience and training, प्रशिक्षण, अनुभव और प्रशिक्षण, सीखना क्या है, व्यवहार में क्या है, परिवर्तन है। किसके द्वारा, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा। अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, उसे क्या कहते हैं, सीखना कहते हैं। जैसे कोई जो है जलने वाली वस्तु है, मोमबत्ती जल रही है, बालक क्या करेगा, उसके इर्द गिर्द घूमेगा, उसके मन में ये इच्छा जागृत होगी कि हम उसे छू लें। अगर आप मना भी करके गए हैं कि देखिए आप मत छूइएगा, आपका हाथ जल जाएगा, लेकिन बालक जानते हैं कितना क्रियाशील होता है, तो वो आपकी बात नहीं मानेगा और उसको छुएगा। और जब उससे उसको छुएगा तो उसे क्या एक्सपीरियंस मिलेगा, उसे अनुभव मिलेगा कि इसको छुएंगे तो क्या जल जाएंगे। और ये एक्सपीरियंस जो है उसके हमेशा लाइफ में काम आएगा। जब भी वो दीपक को देखेगा या कैंडल को देखेगा तो उसके दिमाग में ये आएगा इसको नहीं छूना है, क्योंकि वो उसका अनुभव ले चुका है। और प्रशिक्षण, ट्रेनिंग किसी व्यवहार को, अब जो आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, बीटीसी वालों को ट्रेनिंग दी जाती है कैसे पढ़ाना है, कैसे ये करना है, ये क्या आपके व्यवहार में क्या परिवर्तन लाने के लिए दिया जा रहा है, जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है आप लोगों को कि आपको कैसे अपने क्लास को हैंडल करना है, कैसे बच्चे के बिहेवियर को हैंडल करना है, कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, प्रशिक्षण के अंतर्गत आते हैं। और बालक को भी आप प्रशिक्षित करते हैं किसके लिए, भावी जीवन के लिए। जो सारी ज्ञान आप देते हैं उनसे, व्यवहारिक हो या आपका एकेडमिक हो, जो भी नॉलेज आप उसको देते हैं, उसके भावी जीवन के लिए आप उसको क्या कर रहे होते हैं, प्रशिक्षित कर रहे होते हैं। तो गेट्स ने ये बताया कि सीखना अनुभव और प्रशिक्षण के आधार पे ज्ञान व्यवहार में परिवर्तन है। इसके बहुत सारी विशेषताएँ हैं अधिगम की, देख लीजिए। इतनी बात समझ में आई, ये दो डिफिनेशन याद हो जानी चाहिए आपको कि लर्निंग इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में लाया गया परिवर्तन ही क्या है, सीखना है। अब देखिए इसकी विशेषता,
सबसे पहले क्या है आपने देखा कि व्यवहार में परिवर्तन, सीखना क्या है व्यवहार में परिवर्तन, तो सबसे पहला इसका विशेषता क्या होना चाहिए, परिवर्तन। बालक में आप देखते हैं जब छोटा बालक होता है तो उसका व्यवहार कुछ और होता है, उसके बोलने का, उठने बैठने का, लिखने पढ़ने का स्टाइल कुछ अलग होता है, लेकिन फिर क्या उसको बताया जाता है कि आपका क्या उचित व्यवहार है, क्या सही है, क्या गलत है, उसमें क्या उसके व्यवहार को निर्देशित किया जाता है और वही निर्देशन ही उसके व्यवहार में परिवर्तन या चेंज लाता है और वो उसके व्यवहार का मॉडिफिकेशन करता है। कौन करता है? उसका परिवार और शिक्षक। ये जो है सीखने की सबसे बड़ा जो है विशेषता यही है कि परिवर्तन। अगर कोई बच्चा कुछ सीख गया है तो उसके अंदर क्या आ गया, परिवर्तन आ गया, है ना। परिवर्तन क्या है? एक अवस्था से दूसरी अवस्था में या एक व्यवहार से दूसरे व्यवहार का प्रदर्शन ही क्या कहलाता है, परिवर्तन कहलाता है। और परिवर्तन भी कई प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, प्रत्येक हर एक प्रकार के परिवर्तन होते हैं, तो उन सभी का समावेश जो सीखने में आपके सहायक होता है। दूसरा आपको पॉइंट है विकास। सीखना क्या है? विकास है। सीखना विकास है। विकास कैसे है? जब आप परिवर्तन होता रहेगा तो उसका विकास भी होना निश्चित है। किसी चीज़ में जब साइज, शेप या जिस भी प्रकार से उसका जो है परिवर्तन हो रहा है, उसका इंटरनल आउटर जो भी हो रहा है, वो क्या कर रहा है, उसमें डेवलपमेंट ला रहा है। क्या ला रहा है? विकास। विकास क्या है रोज बताते हैं एक बार, विकास क्या है बताइए। रोज विकास शब्द बताते हैं और फिर इसकी डिफिनेशन भी बताते हैं। क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला ही विकास होती है। क्या? क्रमिक लिख लीजिए, क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला ही विकास होती है। जब क्रम में कोई परिवर्तन हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, एक क्रम से हो रहा है और उसका क्रम से होते होते उसमें क्या बन रहा है, चेन बन रहा है, एक रिलेशन उसमें है, एक संबंध है उसमें, तो वो क्या विकास की ओर अग्रसित हो रहा है। तो विकास क्या है? क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला। इज इट क्लियर? विकास शब्द को, सीखना विकास है, इसको डिफाइन करने के लिए जो है पेस्टोलॉजी ने वृक्ष का उदाहरण दिया था। किसका? वृक्ष का। पेस्टोलॉजी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो एक महान जो है साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने बताया कि विकास का उदाहरण देने के लिए उन्होंने वृक्ष की सहायता की, वृक्ष का एग्जाम्पल लिया, उदाहरण लिया। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से एक छोटा सा पौधा आपका है या पेड़ है आपका, पहले छोटा ही होता है, फिर धीरे धीरे उसमें क्या होता है, बड़ा होता है, तो उसमें क्या आता है, सबसे पहले उसकी तना बढ़ती है, फिर उसमें पत्तियाँ आती हैं, फिर पत्तियाँ बढ़ बढ़ के क्या होते हैं, ब्रांचेस के रूप में आते हैं, फिर ब्रांचेस बड़े बड़े पेड़ों का निर्माण करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये पूरा एक छोटा सा प्लांट जो है अब एक बिग ट्री बन चुका है। तो इस छोटे से प्लांट का क्या हो गया, विकास हो गया, उसका ये क्या होल डेवलपमेंट हो गया। इज इट क्लियर? पेस्टोलॉजी ने इस वृक्ष की सहायता लेके उन्होंने ये बताया कि विकास क्या है, है ना, कि सीखना विकास है। और सीखना मतलब वृक्ष भी क्या सीख रहा है, अनुकूलन कर रहा है, सामंजस्य कर रहा है वातावरण के साथ। बहुत सा ऐसे लाइकेन का पौधा आप लोगों ने सुना है, वो वातावरण का सूचक है। वातावरण में जैसे गंदगी होती है, वो क्या होता है, छुई मुई का नाम सुना है, वो उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। तो लाइकेन एक प्रकार का प्लांट है, जब वातावरण प्रदूषित होता है तो वो क्या करता है, डाई हो जाता है। तो ये इसमें पौधों में भी, पेड़ों में भी, जितने भी प्राणियां हैं उनमें क्या होता है, विकास होता है, है ना। और इसी चीज को पेस्टोलॉजी ने वृक्ष से दिया हुआ है। और फ्रॉबल ने
उपवन। फ्रॉबेल ने उपवन का उदाहरण दिया है विकास को समझाने के लिए कि जिस प्रकार से किसी उपवन के निर्माण के लिए अलग अलग पौधों का संकलन जरूरी है। उन्होंने इसका उदाहरण लिया है फ्रॉबेल ने कि उपवन, जैसे एक पेड़ लगाया, दो पेड़ लगाए, बहुत सारे पेड़ लगाए और क्या हो गया, एक उपवन का निर्माण हो गया। उसी प्रकार क्या है, सीखना भी एक विकास है। सीखना क्या है, एक विकास है जो छोटे से लेके धीरे 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 ग्रेजुअली इंक्रीज करता है और ये एक समग्र के रूप में ये सामने आता है, बिग एज होल। जिस प्रकार से एक छोटा सा पौधा बड़ा होकर वृक्ष बन जाता है, उसी प्रकार अनेक पौधे मिलके क्या बनाते हैं, उपवन का निर्माण करते हैं। और फ्रॉबेल ने इस चीज़ को बताया है कि सीखना क्या है, विकास है। इज इट क्लियर? अगला पॉइंट है, ये सार्व ये क्या है, सार्वभौमिक है। सीखना सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक मतलब समस्त भूमि पे। सीखना क्या है, समस्त भूमि पे होने वाला जो चेंज है वो क्या है, सीखना है, विकास है। सार्वभौमिक मतलब पूरी पृथ्वी पे जितनी भी भूमि है उस पे होने वाले जो है विकास को सीखना कहते हैं। और देखिए, सिर्फ प्राणियों में, सिर्फ इंसानों में नहीं, ये पेड़ पौधे जीव जंतु सब में पाया जाता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सार्वभौमिक है। सीखना सार्वभौमिक है, सभी जानवर हुए, पेड़ हुए, पौधे हुए, जीव हुए, वो सब क्या करते हैं, कुछ ना कुछ अपने जीवन काल में सीखते रहते हैं। इसीलिए सीखने की एक विशेषता ये भी है कि ये क्या है, सार्वभौमिक है। इज इट क्लियर? क्या है, ये यूनिवर्सल है। इसमें जो है समस्त प्राणी आ जाते हैं जो पृथ्वी पे प्रेजेंट हैं, वो क्या करते हैं, अपने जीवन काल में कुछ ना कुछ चीजें सीखते रहते हैं। इवन पौधे भी अपने जीवन काल में सीखते रहते हैं। इसीलिए इस सीखने की कला को क्या कहा गया है, सार्वभौमिक कहा गया है। अगला देखिए, ये उद्देश्य पूर्ण होती है। सीखना उद्देश्य पूर्ण है। उद्देश्य पूर्ण मतलब सीखने के लिए कोई ना कोई उद्देश्य होता है। जब आप कोई नई चीज सीखते हैं तो उसके पीछे कोई तो उद्देश्य होता होगा, कोई तो एम, कोई ऑब्जेक्टिव होता होगा। अभी आप यहाँ आ रहे हैं पढ़ने, तो इसका भी तो कोई उद्देश्य है, क्या है, सीटेट को क्वालिफाई करना। सही बात है कि बच्चा अगर स्कूल जाता है तो उसके पीछे भी क्या उद्देश्य है, ताकि वो अपने भावी जीवन में आ रहे अनेक समस्याओं से निजात पा सके, उनका समाधान ढूंढ सके। और आप लोग भी जो है यहाँ प्रशिक्षण लेने के बाद यहाँ कोचिंग करने आ रहे हैं, इसीलिए ताकि सीटेट को आप क्या करें, बीट कर सकें। तो ये आपका एक उद्देश्य है। तो इसी प्रकार सीखने का भी एक उद्देश्य है। ये क्या होता है, एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। इसमें जो है आप एक निश्चित उद्देश्य लेके चलते हैं और उस उद्देश्य तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। और जितना ज़्यादा आप, जितना आपका हाई लेवल का एफर्ट रहेगा, उतना बढ़िया रिजल्ट आएगा। इसलिए क्या, इसमें जो है स्फूर्ति या क्रियाशीलता। सीखना क्या है, क्रियाशीलता। जितना ज्यादा आप क्रियाशील होंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे। मतलब जितना ज्यादा आप में सीखने की तत्परता होगी, आप उतना ज्यादा ही सीखेंगे। इसके लिए जो है क्रियाशीलता के लिए जो है एक एग्जाम्पल है कि बालक जब है सीखने के लिए जितना ज़्यादा तत्पर रहेगा, जैसे कि अगर उसको पढ़ना है गणित,
उसके लिए वो क्या कर रहा है, बहुत उसको मेहनत, जानते हैं कि गणित कितना हार्ड सब्जेक्ट है, तो उसके लिए बालक क्या कर रहा है, अदर अदर राइटर्स की बुक देख रहा है, फिर ये समझ रहा है, उनसे पूछा, उसके अंदर क्या है, एक बहुत ही कीन इंटरेस्ट है उसके प्रति, बहुत ही जो है उसके तीव्र इच्छा है कि मैं इस चीज़ को सीखूँ, और उसके लिए वो क्रियाशील है, तो वो चीज़ें वो बहुत जल्दी सीख जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अंदर से तत्पर है। आप लोगों ने देखा, पढ़ा ही होगा कि सीखने के तीन नियम हैं, प्रमुख तीन नियम हैं, कौन कौन से हैं? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो उसमें क्या है, यही चीज़ उसमें बताई गई है कि जितना ज़्यादा आप तत्पर रहेंगे सीखने के लिए, उतना ज़्यादा आप क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे, और जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। इज इट क्लियर? तो उन्होंने ये बताया कि बालक जितना ज़्यादा क्रियाशील रहेगा, और बालक को क्रियाशील बनाने के लिए बहुत सारी विधियाँ हैं, जिसमें आपका किलपैट्रिक का आता है एक प्रोजेक्ट मेथड पढ़ाई होगा आप लोगों ने, बताइए क्या है? जी, इसे प्रोजेक्ट वर्क को आप लोगों में जब दिया जाता है, असाइनमेंट वर्क दिया जाता है, और एक आपका है डाल्टन प्लान। ये सब क्या, ये जो है चाइल्ड सेंटर जो है वर्क दिए जाते हैं, जिसमें बालक खुद क्रियाशील होता है, वो क्या करता है, खुद उस चीज़ में इन्वॉल्व होता है, और वहाँ से क्या लेता है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस लेता है। इज इट क्लियर? इसीलिए जितना ज़्यादा आप क्रियाशील होंगे, जितना ज़्यादा आप एफर्ट करेंगे, जितनी ज़्यादा आपकी इफ़िशियंसी होगी, उतना बढ़िया आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, है ना? ये सीखने का एक क्या है, विशेषता है, कि सीखना क्या है, क्रियाशीलता है, और सीखना विवेकपूर्ण भी है। सीखना क्या है, विवेकपूर्ण है। विवेकपूर्ण क्या है, जितना ज़्यादा आप में बुद्धि विवेक रहेगा, उतना अच्छा आप सीखेंगे, है कि नहीं? अभी कोई मेंटली रिटार्डेड बच्चा है, बुद्धि उसकी कमज़ोर है, तो वो आपके इतना आपके बराबर नहीं सीख सकता, है ना? तो ये सीखना जो है किस पे, विवेक पे जो है डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा आपकी बुद्धि होगी, उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। लेकिन एक चीज़ ये भी है, विवेक जो है एक तो जन्मजात होता है, एक तो अर्जित किया जाता है। जन्मजात जो है वो तो ठीक है, आप जान ही रहे, इनहेरिटेंस होता है, और जो अर्जित किया जाता है वो वातावरण से अर्जित किया जाता है। वातावरण से अर्जित करने का मतलब क्या है, आपको जितना अच्छा गाइडेंस, जितना अच्छा आपको वातावरण मिलेगा, आप उतना अच्छा सीखेंगे। इसीलिए बच्चों को क्या कहा जाता है कि इनको एक उचित वातावरण प्रदान कीजिए, ताकि इनमें इनका विकास बहुत अच्छे से हो सके। बहुत अच्छे से कहने का मतलब उचित ढंग से हो सके, जितना इनको विकास की आवश्यकता है, जिसे जैसे इनको जो है जिन साधनों की आवश्यकता है, उतना इनको दिया जाए, जिससे उनका क्या हो सके, शारीरिक और मानसिक विकास हो सके, है ना? क्लियर? और देखिए, सीखना क्या है, खोज है। खोज क्यों है सीखना? हाँ बताइए। देखिए, जितने भी इन्वेंशंस हो रहे हैं, डिस्कवरीज हो रही हैं, ये सारी क्या हैं, सीखने की वजह से हो रही हैं। जो इतने साइंटिस्ट हैं वो क्या अपने आप से थोड़ी कर रहे हैं, वो पहले क्या सीखे हुए हैं, कहीं से नॉलेज लिए हैं, ज्ञान प्राप्त किए, उस चीज़ के बारे में इच्छुक हैं, इसके बाद वो क्या कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं। तो इसलिए सीखना क्या है, खोज है, है ना? और ये खोज जो है ये किस पे डिपेंड करता है, बालक के बुद्धि पे, बालक के वातावरण पे। समझ में बात आ रही है? इसे खोज क्यों कहते हैं सीखने को, क्योंकि आप कुछ ना कुछ नया खोजते हैं, कुछ ना कुछ नया खोजते हैं, और इसीलिए इसको जो है क्या कहते हैं, संगठन।
संगठन सीखना क्या है? नए और पुराने खोजों का संगठन है, खोजों का या ज्ञान का संगठन है। ये भी इसकी एक विशेषता है। सीखना क्या है? संगठन है। किसका संगठन है? नए और पुराने ज्ञान का संगठन है। क्यों? नई नई चीजें सीखते हैं तो क्या पुराने भूल जाते हैं? नहीं ना, वो आपके दिमाग में पहले से फिट रहती है। जब आप नई चीजें सीखते हैं तो पुरानी उनके साथ होती है। इसलिए ये क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन है। इसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन। न्यू प्लस ओल्ड, नए और पुराने ज्ञान का क्या है? ये संगठन है। क्या है? संगठन है। सीखना नए और पुराने ज्ञान का संगठन है। क्लियर? अब देखिए, सीखना से आप देखिए, बालक बहुत कुछ अपने जीवन में सीखता है तो उसके पीछे किसका हाथ होता है? वातावरण का। सीखना क्या है? वातावरण का उपज है। सीखना वातावरण का उपज है। सीखने को वातावरण का उपज क्यों कहा गया है बताइए? अभी जस्ट यही हो रहा है। जितनी भी चीजें बताई जा रही कुछ अलग नहीं है, बस वही आगे से क्या किया जा रहा है, बस उसको रिपीट किया जा रहा है। वो उससे कनेक्टेड है, हर चीज एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है, कोरिलेटेड है। बस ये थोड़ी थोड़ी इसमें वेरिएशन से थोड़ी थोड़ी भिन्नता देखने को मिल रही है। बताइए, सीखना वातावरण का उपज कैसे है? देखिए, सही बता रहे हैं आप। वातावरण का उपज कहने का मतलब वातावरण से ही बालकों का निर्माण होता है, उनकी आदतों का निर्माण होता है। वातावरण से वो अच्छी आदत बुरी आदत सीखते हैं। जरूरी नहीं है सीखना क्या हो, हमेशा पॉजिटिव वे में हो। देखते हैं ना कि बच्चे ग्रुप में है तो बहुत गलत बातें भी सीख रहे हैं, अच्छी बातें भी सीख रहे हैं। तो ये किसका है? ये वातावरण का प्रभाव है उनके ऊपर, कि जैसी संगति में रहेंगे वैसा वो सीखेंगे। सुना है ना आप लोगों ने, काजल की कोठरी में कैसो सयानु जाए, एक लिख भूत काजल की लग जाए। तो उसमें क्या बताता है कि अगर आपकी वातावरण खराब है, दूषित है, तो बालक वहाँ दूषित ही होगा, अच्छा नहीं बन पाएगा। ये बहुत रेयर केस में देखने को मिल सकता है कि गंदे इन्वायरमेंट में भी, गलत समाज में भी बालक जो है अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन ज़्यादातर जो है साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि जैसा आपका वातावरण रहेगा, अच्छा है तो बालक का विकास उचित होगा, अच्छा होगा। अगर अच्छा नहीं है तो उसका विकास क्या होगा? बाधित होगा, उसके व्यवहार अच्छे नहीं होंगे, उसमें नैतिकता नहीं आएगी, सामाजिकता नहीं आएगी। सही गलत क्या है, धर्म क्या है, उसको किसी चीज़ की जानकारी नहीं होगी। और इसीलिए जो है इसको सीखने को क्या कहते हैं? वातावरण का उपज कहते हैं। इसीलिए बालक को जो है प्रॉपर इन्वायरमेंट दिया जाता है, उसको जब बहुत सारी फैसिलिटी दी जाती है। आप लोगों के फादर मदर जितनी फैसिलिटी देते, क्या पहले के बालकों को इतनी फैसिलिटी थी? बिल्कुल नहीं थी। शिक्षा वही प्राप्त करता था जो उसका इच्छुक होता था, है ना, जिसमें बहुत ही ज़्यादा दृढ़ इच्छा होती थी शिक्षा को प्राप्त करने की, वही क्या करता था? शिक्षा लेता था। नहीं तो बाकी लोग क्या करते थे? माँ बाप इतना फोकस नहीं करते थे जितना आज के माँ बाप क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं कि नहीं आपको पढ़ना है, आपको इस लाइन में जाना है। नहीं पढ़ रहे हैं इसके बाद भी आप प्रेशर लगा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, जिनको इच्छा होती थी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे कि माँ बाप जो है उनको कहते थे आपका पढ़ने का मन है तो जाइए, आप हम नहीं दे पाएंगे, आपको इच्छा है तो कहीं से आप पढ़ाइए, अपना व्यवस्था कीजिए, पढ़िए। तो इसमें एक आपका अगला पॉइंट है दृढ़ इच्छा, विल पावर, इच्छा शक्ति। विल पावर, इच्छा शक्ति, जितना ज्यादा आपके अंदर वही बात क्रियाशीलता वाली बात आई। लेकिन यहां क्या है? विल पावर,
क्रियाशीलता मतलब एक्टिव होना है ना, और यहाँ क्या है, ये विल पावर आपका क्या है, मानसिक प्रक्रिया है। क्रियाशीलता क्या है, आपका शारीरिक मानसिक दोनों है, लेकिन ये क्या है, विल पावर में आपका सिर्फ इच्छा शक्ति यानी आपकी मानसिक स्थिति आती है। ये आपकी मानसिक शक्ति को जो है डिफाइन करता है। इसमें क्या, जितना ज़्यादा आप मानसिक रूप से तैयार रहेंगे किसी चीज़ को फेस करने के लिए, वो चाहे आपका एग्जामिनेशन हो, चाहे आपके आने वाले जो है जो आपके डेली प्रॉब्लम्स हैं। डेली प्रॉब्लम्स में आपके क्या हैं, इसके लिए भी आप माइंड मेकअप करके चलते हैं कि धूल मिट्टी भीड़ समय, ये सारी चीज़ें आप पहले से ही क्या प्री प्लान करके चलते हैं कि इतने टाइम में नहीं पहुंच पाएंगे तो इतने टाइम में पहुंचेंगे, ये सारी चीज़ें। और इसमें जो है फिर भी आप क्या करते हैं कि हमें वहाँ पहुंचना है और क्या लेना है, नॉलेज मुझे गेन करना है, ये आपकी इच्छा शक्ति। ये आप नहीं कहेंगे रोज़ ट्रैफिक लग जा रहा है आज नहीं जाएंगे लेट हो जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या होता है, जितना ज़्यादा आप में इच्छा होती है किसी चीज़ को सीखने की लेने की, उतने ज़्यादा आप जो है उस चीज़ को प्राप्त करते हैं, है ना। ये बालकों में सबसे ज़्यादा होता है, बालकों की इच्छा शक्ति बहुत ही दृढ़ होती है, बहुत ही स्ट्रांग होती है। और किशोरावस्था में तो बालकों की खास करके जो सोचते हैं वैसा करने की वो सोचते भी और कर भी जाते हैं, है ना, इसलिए जो है उनका जीवन काल को तूफानी जीवन काल कहते हैं ना, स्टॉर्म। इतनी बात समझ में आई कि सीखने की क्या क्या विशेषता है, और ये सारी विशेषताएं जो है क्या है, किसी न किसी के द्वारा दी गई डिफिनेशंस हैं, उनकी क्या है परिभाषाएं हैं। किसी ने बताया है कि ये जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये परिवर्तन है, ये क्या है वातावरण का उपज है, ये दृढ़ इच्छा शक्ति है, ये विकास है, ये विवेकपूर्ण है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताया हुआ है क्या, कि ये सारी चीज़ें क्या है सीखना है। किसी भी स्थिति में की गई प्रतिक्रिया को ही क्या कहते हैं, सीखना कहते हैं। लिख लीजिए, किसी स्थिति के प्रति की गई प्रतिक्रिया ही सीखना है। कहने का मतलब सीखना क्या है, जिस स्थिति में आप हैं और उस स्थिति में, जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं और आपके सामने कुछ था पत्थर या कुछ, आप उससे टकरा गए और फिर संभल गए, आपने वहाँ से क्या सीखा कि देख के चलना या फिर धीरे चलना, तो इसे आपने क्या लिया, सीख लिया, और ये भी आपका एक प्रकार का क्या हो गया, सीखना हो गया। उस स्थिति में आपने ये सीखा कि हमें क्या करना चाहिए, देख संभल के चलना चाहिए, यही क्या हो गया, सीखना हो गया। किसी स्थिति के प्रति की गई प्रतिक्रिया ही क्या कहलाती है, सीखना कहलाती है। इज इट क्लियर, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ये आपको इतना सारा एक्सप्लेनेशन इसलिए, इतने सारे पॉइंट्स और वेरिएशन इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि सीटेट के क्वेश्चन आपके डायरेक्ट नहीं पूछते, उसमें क्या विशेषताएं ही पूछी जाती हैं, विशेषताएं भी डायरेक्ट नहीं होती। आप में क्या बता, ऐसे पूछेगा कि बालक किस स्थिति में है, तो इस आप क्या सोचते हैं बालक क्या करेगा, तो आपको अपने हिसाब से उसका आंसर नहीं देना है, आप ये सोचेंगे कि इस स्थिति में बालक होगा तो बालक क्या करेगा। तो अगर ये सारी विशेषताएं आप जानते रहेंगे तभी तो आप जानेंगे कि बालक इस स्थिति में कैसा कदम लेगा। इज इट क्लियर, थैंक यू।